पहले कहते थे ना कि सरहद पर तनाव है, जरा देखो चुनाव है क्या। अब यह है कि कोरोना आ रहा है, जरा पता करो चुनाव चल रहा है क्या। केजरीवाल साहब को दूसरी बार कोरोना हो गया, पिछले साल भी वो कोरोना पॉजिटिव हुए, खबर आई कल फिर से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन दो दिन पहले ये लखनऊ में रैली कर रहे थे, उससे पहले ये पंजाब भी गए थे, आने वाले दिनों में फिर से जाएंगे। लेकिन जैसे ही कल ये खबर आई कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, आज दिल्ली में लॉकडाउन की बात सामने आ गई। सवाल है आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत साधारण फ्लू जैसा है। दूसरी तरफ केजरीवाल जैसे एक मुख्यमंत्री खुद को जब कोरोना पॉजिटिव की खबर मीडिया को देते हैं, उनकी हर खबर पूरे देश के लोगों को पता चलती है, पूरे देश के लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, और ख़ास करके कोरोना के मामले में तो लोग और ज़्यादा, कहीं भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इसका असर यह होता है कि आम लोग थोड़े डरते हैं, भयभीत होते हैं, और शायद हमारे देश के नेताओं की यही इच्छा है कि कोरोना के नाम पर आम लोग डरे, भयभीत हो और अपने घरों में दुबके रहे। कब? जब जब चुनाव आए। पहले कहते थे ना कि सरहद पर तनाव है, जरा देखो चुनाव है क्या। अब यह है कि कोरोना आ रहा है, जरा पता करो चुनाव चल रहा है क्या। यही हो रहा है। ये लोग सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, हर पार्टी के लोग, मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर दल के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। वहां कोरोना कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब हर स्टेट में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार तक में भी बात हो रही है कि यहां पर अब लॉकडाउन लगाया जाए। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, पार्क और ये तमाम जगहों को बंद किया गया नए साल के मौके पर। लेकिन सवाल है कि अगर कोरोना इतना ही घातक है तो अरविंद केजरीवाल जी दूसरी बार कोरोना प्रभावित हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और ये डायबिटिक हैं, तो इनके साथ क्या मतलब, तो बहुत बड़ी बात है। फिर सवाल है कि पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद बहुत सारे युवा इसके शिकार हुए, असमय मौत के मुंह में चले गए। अब जो बड़े लोग हैं वो भले उम्रदराज हों, भले उनको 10 तरह की बीमारियां हों, जैसे अमिताभ बच्चन साहब भी 2020 में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन वो स्वस्थ हो गए, वो अच्छे से स्वस्थ होकर निकल गए। अरविंद केजरीवाल दो बार हुए हैं, दूसरी बार हुए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि सिम्टम्स माइल्ड हैं, उनको कुछ होगा नहीं, तो भगवान करे उनको कुछ ना हो, वो 100 साल जिए कम से कम। लेकिन बड़े लोग, जो पावरफुल लोग हैं, जो खुद को कहने को तो आम आदमी कहते हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलती है वो खास होती है, बहुत खास होती है, जो आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो लोग आखिर पैनिक फैलाने का काम क्यों करते हैं? आपको हुआ, आप जाइए घर में रहिए, रेस्ट कीजिए, आप फिर मत जाइए चुनाव प्रचार करने। आप कहिए चुनाव आयोग से कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए, या इस तरीके से किया जाए कि ये इस तरह की रैलियां ना हो। ये सब कुछ करेंगे, लेकिन आम आदमी जो बेचारा 2 साल की कड़ी परेशान, मतलब 2 साल वो पीसा है इस लॉकडाउन की वजह से, उसके रोजगार के साधन छीने हैं, आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई देश की और लोगों की कि आज इस देश की 60-70% आबादी 5 किलो अनाज पर जिंदा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन नहीं, उस पर ये चुनाव होना है, ठीक है, लोकतंत्र है, चुनाव होगा, लेकिन एक तरफ चुनाव होगा, दूसरी तरफ लॉकडाउन होगा आम लोगों के लिए, कैसे, ये क्यों, और इस लॉकडाउन के नाम पर सारी आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर बंद किया जाएगा। स्कूल बंद होंगे, लेकिन आम आदमी से कहा जाएगा कि स्कूल का पैसा दो, कहां से देगा? तो मुझे लगता है कि सवाल सिर्फ केजरीवाल का नहीं है, केजरीवाल तो एक उदाहरण है। बड़े बड़े लोग, अभी खबर आई बॉलीवुड में बहुत सारे लोग अचानक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे, जॉन अब्राहम से लेकर और कई लोग, और इन खबरों को इतनी प्रमुखता से दिखाया जाता है कि आम आदमी, मेरे जैसा आदमी, टायर 2 टायर 3 टाउन छोड़िए दिल्ली राजधानी के रहने वाले लोग, वो डरते हैं, जिनके पास खबरों के इतने सोर्स हैं, वो ये तय नहीं कर पाते कि ओमिक्रॉन असल में है क्या, करेंगे भी कैसे, जब एक तरफ WHO कुछ कह रहा हो, देश का प्रधानमंत्री तीसरे और चौथे डोज की बात कर रहा हो और खुद रैली कर रहा हो उस स्टेट में जहां का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM ये कहते हैं कि इसके सिम्टम्स बड़े माइल्ड हैं,
तो आम आदमी तो बेचारा ऐसे ही अपने आजीविका कमाने के चक्कर में उलझा हुआ है। ऊपर से इतने सारे बयान, अलग अलग एक्सपर्ट्स, इस देश का प्रधानमंत्री भी कोरोना का एक्सपर्ट, मुख्यमंत्री भी कोरोना का एक्सपर्ट, हर कोई एक्सपर्ट है सिवाय आम जनता के जो मूर्ख है उनकी नज़र में, क्योंकि इस देश की 60-70% आम जनता 5 किलो अनाज पर चुप है, खामोश है, उसको मजा आ रहा है, मतलब वो आनंदित है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े लोग अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताकर लॉकडाउन लाने, लोगों को घरों में बंद करने, उनके रोजगार धंधे को प्रभावित करने, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब दो दो डोज लिए जा चुके हैं, तीसरा डोज, बूस्टर डोज दिए जाने की बात हो रही है, ये तब हो रहा है। बावजूद इसके आम आदमी को घरों में बंद करने के लिए, लॉकडाउन लगाने के लिए तरह तरह के कर्तव्य कर रहे हैं ये सारे लोग, ये सब मिले हुए हैं। इसमें कोई दल, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अलग नहीं है। जो सत्ताधीश है, जो सत्ता में है, उनको क्या दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सत्ता का मजा ले रहे हैं और इस नाम पर मजा ले रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आम आदमी की सुरक्षा। भाई मत कीजिए सुरक्षा, आपने बहुत सुरक्षा कर ली, छोड़ दीजिए। अब इस देश का आम आदमी भगवान के भरोसे जीता है, ये किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं रहता। वो खुद कमाता है तो खाता है, आप उस कमाई पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं, आप उसके जीवन पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। बंद कीजिए ये सब, ये अपने आप को जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस में कि मुझे कोरोना हो गया है, इसकी खबरें फैला फैला कर जो लोगों में पैनिक फैला रहे हैं, और उस पैनिक का ही नतीजा होता है कि शासन को, सरकार को बहुत आसानी होती है लॉकडाउन लगाने में। वो इन चीज़ों के आधार पर लॉकडाउन लगाती है कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं ठीक है, मरता तो आम आदमी है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, आप नहीं दे पाते ऑक्सीजन, और ये बिहार में तो फिर भी ऑक्सीजन मिल गया, दिल्ली जैसे जगहों पे ऑक्सीजन और बेड की मारामारी थी। तो सवाल है कि आप इस तरह के दोहरे मापदंड, एक तरफ आप चुनाव में जाएंगे, रैलियां करेंगे, लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर कहेंगे कि कोरोना आ गया, मत कीजिए ना। तो आप सत्ता के लालची लोग, सत्ता के भूखे लोग, आम आदमी को आप लोगों ने खिलौना बना दिया है। अपने सत्ता का जो बोलते हैं ना नट वोल्ट, अपने सत्ता रूपी ट्रेन को चलाने के लिए, इंजन को चलाने के लिए इस देश की आम जनता को नट वोल्ट में बदल दिया है। जब मन किया निकाला, फेंका, दूसरा नट वोल्ट लगाया, उसको फेंका, फिर तीसरा लगाया, बहुत कुछ हुआ तो 5 किलो अनाज दे दिया, हो गया। ये बंद कीजिए। और अरविंद केजरीवाल, आप आम आदमी कहते हैं खुद को, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस पूरे कोरोना के पैनिकीकरण, मतलब पैनिक फैलाने की जो साजिश है, मैं इसको साजिश ही कहूँगा, इस देश में डेली रोजाना हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, इस देश में रोजाना हजारों लोग डायबिटीज, हार्ट अटैक से मरते हैं। अभी आप पढ़िए, गूगल कीजिए, पता कीजिए, दिल्ली के बगल गाजियाबाद में जितने अस्पताल हैं वहाँ पिछले 6 महीने के दौरान कितने युवा हार्ट अटैक से पीड़ित होकर आए, कितने उसमें मर गए, ये एक नई खबर है, इस पर कभी आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये कोरोना के नाम पर, अभी कोरोना है, सुना है कि इजराइल में फ्लोरोना आ गया, तो ये आखिर कब तक चलेगा? फिर इसका मतलब है कि या तो ये पूरा का पूरा कोरोना सवालों के घेरे में आना चाहिए, या आपने जो 2 डोज दिए थे जीवन के कोरोना से बचाव के, वो सवालों के घेरे में है, या ये जो चुनावी प्रक्रिया के समय बार बार कोरोना का कहर आप लोग दिखाते हैं, ये भी सवालों के घेरे में। आखिर सवालों के घेरे में है क्या? तो सबसे बड़ा सवालों के घेरे में जो चीज़ है वो है आपकी नियत, आप लोगों की नियत करप्ट हो चुकी है, आप लोगों की नियत आम जनता के खिलाफ जा चुकी है। आप जैसे लोग अपने आप को आम आदमी, आम नेता कहें, लेकिन आप आम नहीं है, आप लोग खास हो चुके हैं और आम आदमी के खिलाफ है। अगर धूमिल के शब्दों में कहें तो ना लोक है ना तंत्र है, ये आम आदमी के खिलाफ सत्ता का षड्यंत्र है। समझिए इस षड्यंत्र को।
नमस्कार।